हेलो। हाँ हेलो हाँ सर जी, क्या चाल है? अच्छा, सब ठीक है? आप बताइए भैया। पेमेंट कब कराइएगा भैया? भैया पेमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी, थोड़ा बाजार स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद जो है आपको पेमेंट जो है मैं करवा दूंगा। और अभी कस्टमर्स भी नहीं है, थोड़े थोड़ा स्टार्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिएगा, काहे मुझे मुझे भी चाहिए अरे थोड़ा। भैया आपसे इतने दिन से काम हो रहा है, थोड़ा भरोसा रखिए, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अली भाई थोड़ा काउंटर देखिए, तो मैं थोड़ा नमाज पढ़ के आ रहा हूँ मस्जिद से। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज असर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समी अल्लाह लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भाईजन सुनिए। जी फरमाइए। एक मिनट आपसे बात करनी थी। जी मेरे भाई, आपने एक सजदा नहीं किया, शायद भूल गए आप। हो सकता है मैं भूल गया हूँ। क्या आप नमाज में कुछ सोच रहे थे? हाँ मैं थोड़ा परेशान था पैसों के लिए। तो आपके जहन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे भाई? मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया था, उसने मुझे बोला पेमेंट की उसको ज़रूरत है, तो उसी कल्फत में इसमें से जो नमाज छूट गई होगी। आप क्या इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं? जी मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। और इसी वजह से मेरे भाई आपने सजदा मिस किया? जानबूझ से नहीं छोड़ा मैंने, दिमाग से निकल गया होगा। मेरे भाई आप नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नहीं थे मेरे भाई। क्या मतलब? मेरे भाई नमाज अल्लाह और उसके बंदे के बीच की मुलाकात है, जो आपके कारोबार की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी अल्लाह से, क्योंकि आपके जहन में कारोबार थी, दुनिया थी, और यही वजह है जिसकी वजह से आपसे एक सजदा मिस हो गया। मेरे भाई हमें अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत है, और नमाज ही वो रास्ता है जिससे हम और आप अल्लाह से जुड़ सकते हैं। और आइंदा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नमाज के हालत में कोई और वसवसा आपके ख्यालात में आए, तो फौरन नमाज की हालत में वापस लौट जाए मेरे भाई, ताकि आपको दुनिया अल्लाह से मिलने से कोई ना रोक सके। वादा करते हैं ना मेरे भाई आप? जी भाई वादा करता हूँ आपसे। और वादा करते हैं ना मेरे भाई कि नमाज में आपके और अल्लाह के बीच में कोई ना आए। जी मैं वादा करता हूँ, मैं ध्यान से नमाज पढ़ूंगा। चलिए माशाल्लाह, दिल लगा के नमाज पढ़ूंगा माशाल्लाह। मैं वादा करता हूँ अल्लाह के सिवा नमाज में किसी और को नहीं लाऊंगा। लेकिन भाईजन मेरा आपसे, भाईजन मेरे प्यारे भाइयों, नमाज़ी वो वाहिद ऐसी चीज़ थी जो हमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई, ताकि हम अल्लाह से जुड़ सकें। लेकिन आज हम उस नमाज के साथ भी शिर्क कर रहे हैं। नमाज में अल्लाह के सिवा हम सारी दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम वादा करें कि आज के बाद से हम जब भी नमाज में खड़े होंगे, सिवाय अल्लाह के और अल्लाह के हुक्म के, हम कुछ और नहीं सोचेंगे।